तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ आज मैं, ठीक है। तो उसके अंदर फ्रेंड्स, मैं अपनी बलिनों में खुद अपने आप ये मिरर फोल्डिंग रिले इंस्टॉल करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे पास i20 में एंड और थोड़ी लग्जरी कार्स में हमारे पास ये मिरर्स फोल्ड हो जाते हैं, जैसे हमारे पास गाड़ी अनलॉक लॉक करने पे, बट इसके अंदर वो फीचर नहीं है। तो मैं उस फीचर को आज इसमें इंस्टॉल करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मैं ऑटो पार्क कंपनी की रिले लेकर आया हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये कपलर टू कपलर है हमारे पास। इसका जो कनेक्शन है, जो एक साइड है हमारे पास जो दरवाजे में बटन है उसके अंदर जाएगी, बटन के सॉकेट्स में, और ये उसका एक्सटेंशन निकल आएगा जो गाड़ी की OEM वायरिंग के अंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक तो ये कनेक्शन है, उसके बाद फ्रेंड्स ये तीन वायरिंग्स हैं। और फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली इस रिले की जो पैकिंग थी उसके साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं आया, कोई भी पैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखाया कि ये वायर्स कौन सी हैं, किस चीज़ की वायर किसकी है। आप देख सकते हैं इसमें एक रेड वायर, सॉरी येलो वायर है, ग्रीन वायर है और ब्लू वायर है, ठीक है। बट इन्होंने कुछ भी मुझे इंस्ट्रक्शंस में नहीं बताया कि ये किस चीज़ की वायरिंग है। तो वो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक चैलेंज होगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, साथ के साथ, और देखेंगे ये किस चीज़ की वायर्स हैं। बाकी मैंने जैसे थोड़ी रिसर्च करी है अपने लेवल पे, तो मुझे ये पता चला है कि इनमें से एक वायर तो डायरेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, वो आई थिंक मुझे लग रहा है येलो वाली होगी, और जो ग्रीन और ब्लू उसमें से एक लॉक की वायर है और एक अनलॉक की वायर है, ठीक है, जिससे हमारे पास लॉक अनलॉक का सिग्नल आता है, जो हम इसकी गाड़ी की गन्स के साथ जो है अंदर मैकेनिज्म है उसके साथ इसे अटैच करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ टूल्स पड़े हैं मेरे पास यहाँ पर, जैसे ये वायर कटर हो गया, पेचकस हो गया, ये मेरे पास हीट गन होगी यहाँ पर, ये फ्रेंड्स ये 2 mm की श्रिंक ट्यूब्स मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स गाड़ी जो है वो वारंटी से बाहर है, तो मैं प्रॉपर सोल्डरिंग करके जो कनेक्शंस हैं इन वायर्स के, तीन वायर्स के, और ऊपर श्रिंक ट्यूबिंग करके उसे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास ये कुछ यहाँ पे प्राइंग टूल्स हैं सिंपल, आप देख सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स ओपन करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा डोर आज तक ओपन नहीं हुआ, ठीक है, डोर का जो मेरा अंदर वाला जो पार्ट है वो कभी आज तक ओपन नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन प्राई करने वाले जो टूल्स लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं अपना ये प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि गाड़ी में मैं देख पा रहा हूँ, एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके पीछे होगा, एक मुझे ये पैनल ओपन करना है, एक यहाँ पर हमारे पास स्क्रू है, और एक मुझे ये वाला पार्ट अटैच करना है। तो ये तो फ्रेंड्स ऐसे ही निकल जाएगा बाहर, और इसे भी हमें निकालना है, और साथ में ये वाला जो कवर उठा के इसमें से स्क्रू ओपन करना है। तो ये तीनों चीज़ें खुलते ही फ्रेंड्स फिर हमारे पास ये रॉकेट लॉक्स हैं, ठीक है, इधर भी हैं उधर भी होंगे, और फिर इन्हें ओपन करके फिर ये जो है डोर बाहर आ जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स ऐसे ही बाहर आ गया है, ठीक है, इसके यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, नीचे वाले फ्रेंड्स मैं ओपन नहीं कर रहा, वो इसके साथ ही ओपन हो जाएंगे। और ये वाला था फ्रेंड्स, इसमें मैंने बस यहाँ पे नेल फंसाया और इसको ओपन कर लिया, तो ये इजीली बाहर आ गया। आप देख सकते हैं स्क्रू आपको दिख रहा होगा अंदर, ये लगा हुआ हमारे पास, बस अब इसे ओपन करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ये स्क्रू ओपन कर लिया, यहाँ पे भी स्क्रू ओपन कर लिया, एक रॉकेट लॉक ये था और एक हमारे पास ये वाला रॉकेट लॉक था, बस और कुछ नहीं है। अब फ्रेंड्स हमें सिंपल इसे पुश करना है, ऐसे पुल करना है, बेसिकली पुल करके हमारे पास ऐसे वाले लॉक्स लगे होंगे बहुत सारे, ठीक है, चारों तरफ डोर के, और वो बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस तरफ ये ओपन कर लिया है, और ये मेरा हाथ इस गैप के अंदर है, तो इसको फ्रेंड्स आप लोगों ने इस तरह से ओपन करना है, आप लोगों ने सारा पकड़ के नहीं खींचना, आप लोगों ने स्लाइड करते जाना है अपने हाथ को इस तरह से, और जहाँ जहाँ पे आपको लॉक मिलेगा, जैसे मुझे यहाँ पर आपको टाइटनेस मिलेगी लॉक की, तो वहाँ आप लोगों को उसे पुल करना है, ये देखिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इसे ओपन करना है, ये नहीं कि आप सीधा पकड़ के खींच दें, ठीक है, तो वो आपको नुकसान करेगा कि वो कहीं से लॉक्स लगे रह जाएंगे, कहीं पर उतरेंगे, तो वो उस हिसाब से होगा। तो आप एकदम से जहाँ जहाँ पर आपको जैसे यहाँ टाइटनेस मिली है, तभी मैं दोनों हाथों से इसको पुल कर दूँगा। और लास्ट में फ्रेंड्स, ये जब सारे लॉक्स आपके नीचे वाले खुल जाएंगे इधर वाले, तो आप लोगों को इसे ऊपर को उठा के ऐसे ओपन करना है, ठीक है, जैसे अभी ये उठ गया यहाँ से, तो आपको इसे ऊपर को उठा के ओपन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये दो कनेक्टर हमें ओपन करने हैं यहाँ पे, ये दो वायर्स जा रही हैं, एक इधर और एक इधर, और हमें इसमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक कनेक्टर ऐसा है जो हमें ओपन करना है, तो वो ऐसे लगा हुआ है, मतलब हमें ये साइड दिख रही है उसकी, तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये ओपन करने वाला है, तो हमें अंदर हाथ डाल के और इसको ये चीज़ को प्रेस करके इसे निकालना है बाहर। तो ये देखिए एक कनेक्टर हमारा बाहर आ चुका है, दूसरा वाला कनेक्टर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके नीचे की तरफ भी वही सेम मैकेनिज्म है, ठीक है,
आप देख सकते हैं ये ब्लैक वायर के रेड वायर के नीचे वाली तरफ वही मैकेनिज्म है। और वैसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से लगा हुआ था हमारा कनेक्टर, और इसके नीचे भी यहाँ पर यही वाला मैकेनिज्म था, आप देख सकते हैं ये प्रेस करने वाला, ठीक है। तो ये ऐसे लगा हुआ था नीचे को। बस फ्रेंड्स, अब जैसे मेरे पास ये रिले है, अब मुझे इसके अंदर ये वाला कनेक्टर लगा देना है, और जो ये निकलेगा कनेक्टर वो वहाँ पे बटन्स में लग जाएगा नीचे, और फिर मुझे ये 3 वायर्स को माउंट करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं पूरा डोर अब अंदर से, और ये हमारे पास रिले मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसे कनेक्टर लगा दिया है, और ये 3 वायर्स मैंने पील करनी है। और फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट अभी 12 वोल्ट मैं अपनी जंपर केबल से दूंगा, जो डायरेक्ट बैटरी से आ रही है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर ये वाला हमारा जो है, इसमें डायरेक्ट बैटरी का 12 वोल्ट करंट आ रहा है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है बोनट के अंदर, ठीक है। बाद में वायरिंग करेंगे अंदर से एक बार टेस्टिंग करके। और फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे पता लगा है यहाँ पर ये वाला कनेक्टर होता है हमारे पास, तो इसके लिए हमें ये जो हमारा, इसे पील ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसे पील ऑफ करके फिर मुझे यहाँ से लॉक एंड लॉक की वायर उठानी है, और जैसा कि मुझे पता चला है वो पिंक कलर की और हमारे पास क्या कहते हैं वाइट कलर की वायर होती है, ठीक है। तो वो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ से पील नहीं कराई, इसे डायरेक्टली यहीं से पील किया, ठीक है। ये बीच में इन्होंने कट दिया होता यहाँ पर, और ये हमारे पास लॉक एंड लॉक की पिंक एंड वाइट वाली वायर मुझे मिल गई है। यहाँ पे कुशन लगी हुई थी नॉर्मल सी, जो ये रैटलिंग साउंड को रोकने के लिए, उसे हम बाद में लगा देंगे बैक साइड पे, ठीक है। तो अब मैं फ्रेंड्स इसको कट नहीं करूँगा वायर्स को, मैं डायरेक्ट यहीं से ही पील ऑफ करके इस पर सोल्डरिंग कर दूंगा, बाद में इसे इंसुलेट कर दूंगा, तक क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं मिनिमल से मिनिमल वायरिंग करूँ इस चीज़ के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग टेस्टिंग शुरू करते हैं, और फिर मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताता हूँ क्या है। तो फ्रेंड्स, फॉर्चुनेटली देखिए फर्स्ट टाइम में ही मुझसे अच्छी वायर्स लगी हैं, करेक्ट वायर्स। आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने हल्का सा ये कटर से इस वायर को पील ऑफ करके इस पर ये सोल्डरिंग कर लिया हमारे पास, और जो ब्लू वायर निकली है वो हमारे पास मतलब पिंक के साथ जुड़नी है, और ग्रीन वाली वायर जो है वो वाइट के साथ जुड़नी है, आप देख लीजिए, ठीक है। इसको मैंने बाहर बाहर से अच्छे से सोल्डर कर दिया, बस इसे अब मैं श्रिंक ट्यूबिंग नहीं करूँगा, क्योंकि वायर काट कर जोड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत टाइटली यहाँ पे पैक्ड है सारा कुछ। बस मैं इसको ऊपर से इंसुलेट कर दूंगा, ठीक है, हॉट ग्लू से कर दूंगा या ब्लैक टेप से नॉर्मली। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिले की वायर्स। और एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई, फर्स्ट टाइम पे ही मेरे अकॉर्डिंगली येलो वायर ही हमारी डायरेक्ट जो है 12 वोल्ट वाली जो इनपुट है वो वायर निकली। तो बस फ्रेंड्स, अब मुझे अंदर से वायर निकालनी है उसमें रबर स्लीव से, और फिर यहाँ पे मेन फाइनल जो है रिले को मतलब जो हमारे पास जिप टाइज होती हैं यूज़ करके जिप टाई कर दूंगा यहाँ पे फाइनल में। तो अब आप लोगों को चेक कराता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास मिरर्स, और ये ओपन है अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अब मुझे इसे लॉक करके मैं आपको चेक कराता हूँ मिरर्स को। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा, ये सेंसर होता है हमारे डोर का, और फिर मैं इसे लॉक करूँगा, तो अब देखिए रिले वर्क कर रही है, ठीक है। ये 3 टाइम्स बीप इसलिए हुआ क्योंकि बोनट ओपन है और ये हमारे पास मिरर क्लोज हो गए। और ऐसे ही अगर मैं इसे अनलॉक करता हूँ तो हमारे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। बट इनकी फ्रेंड्स थोड़ी ना स्पीड स्लो है एज कम्पेयर टू हमारा जो डायरेक्टली हम इसे प्रेस करते हैं जब, आई थिंक कुछ रिले की वजह से रेजिस्टेंस हो रहा होगा इस चीज़ में इसलिए, या फिर ये जो 12 वोल्ट वाला कनेक्शन प्रॉपर नहीं है अभी, तो उसे करंट नहीं मिल रहा। तो बाकी हम फाइनल एक बार ही अब मेन मैं ये 12 वोल्ट वाली जो वायर है उसे इंटरनली माउंट करके इसे फाइनली फिर क्लोज कर देता हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाला जो वायर डालने वाला जो है प्रोसेस, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट फ्रेंड्स हिम्मत रखिए और इसको हम इजीली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जैसे कपड़े सुखाने वाली फ्रेंड्स मेरे पास वायर थी, ठीक है, इसका एक पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको आगे से आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक लूप बनाकर, ठीक है, उसको यहाँ अंदर से जो हमारी रबड़ वाली जो रबड़ वाली हमारे पास वो है क्या कहते हैं सॉकेट है ये वाली जो यहाँ पे कनेक्टर, इसके अंदर से मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये डोर के साथ लगा हुआ था जैसा आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने सबसे पहले ये प्लास्टिक वाले ब्रैकेट के ऊपर से ये रबर जो है वो उतार ली और उसमें से इसे निकाल लिया। और फिर फ्रेंड्स इसके ये लॉक होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉक, ये फिर से देखिए लग गया अपने अभी। तो इस लॉक को फ्रेंड्स जैसे यही वायर का जो पिछले वाला एंड था, ये वाला जो एंड है मेरे पास, इससे ही मैंने यहाँ पर ऐसे प्रेस करके, आपको आई होप विजिबल हो, इसको यहाँ पर ये गैप्स में प्रेस करके फिर मैंने इस लॉक को बाहर निकाल लिया। अब ये देखिए बाहर आ जाता है वैसे, तो ये दो नीचे हैं और दो ऊपर भी हैं। तो ये प्लास्टिक वाला जो पार्ट है
ये बाहर आ जाएगा। वैसे इसको बाहर निकालने की ज़रूरत भी नहीं, आप सिंपल यहाँ से भी वायर जो है वो अंदर डाल सकते हैं। ये आप देखिए, ये पूरे जो है यहाँ पे ये फिंगर अंदर चले जाती है, ठीक है, और ये गाड़ी के अंदर आ जाएगी वायर जो है। चाहे इसको आप लगे रहने दो, बट रबर वापस लगाने के लिए आई थिंक आपको इसे निकालना पड़ेगा। तो फिर बस फ्रेंड्स, अब ये येलो वाली वायर जो है वो अंदर मैं पुल कर लूँगा यहीं से, और फिर बाकी प्रोसेस जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो अंदर वाला प्रोसेस है यहाँ से वायर खींचने के लिए, उसके लिए आपको ये वाला जो पार्ट है वो भी निकालना पड़ेगा, ये वाला जो, ठीक है, ये ऐसे लगा होता है हमारे पास। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ये वाली बिडिंग भी ओपन करनी पड़ेगी, और ये नॉर्मल कुछ नहीं है, बस यहाँ से आप इसे ग्रैब करिए और खींच दीजिए, ये बाहर आ जाता है। और इस वाले पार्ट को फ्रेंड्स आप लोगों को पहले बाहर खींचना है और फिर इसको ऊपर को रोटेट कर देना है, तो फिर ये पूरा बाहर निकल आएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए, ये वायर जो है वो यहाँ पर इस लूप में लग के, आप देख सकते हैं इस लूप में यहाँ पे लग के, और इससे फ्रेंड्स यहाँ पे निकल आएगी, और यहाँ पे मैंने एक और वायर डाली है जिससे फिर वो अंदर यहाँ से बाहर आ जाएगी। और फिर फ्रेंड्स, मैंने ये फर्स्ट टाइम जब ये इंस्टॉल करी थी यहाँ पर, क्या कहते हैं, जो LED प्लेट्स, स्कफ प्लेट्स, तो उसमें मैंने ये डायरेक्ट 12 वोल्ट की वायर डाली थी यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट 12 वोल्ट की वायर डाली थी। तो वो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मेरे लिए काम आसान हो गया, मैं सिंपल बस उसे इसी वायर के साथ जो है यहाँ पे पील ऑफ करके कनेक्ट कर दूँगा, तो मेरा प्रोसेस पूरा हो गया। बट फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए, आप लोगों को डायरेक्ट वायर डालनी पड़ेगी पहले, ठीक है, जो हमारे पास जिसमें हमेशा डायरेक्ट बैटरी का करंट होता है, तो वो फ्रेंड्स आप लोगों को वहाँ उस कॉर्नर में ग्लव बॉक्स के पीछे फ्यूज़ बॉक्स से उठानी पड़ेगी, ठीक है। फ्यूज़ बॉक्स में आप जो फ्यूज़ के ऊपर थिम्बल्स निकले होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसमें आप मीटर के थ्रू टेस्टिंग करके आप वहाँ से 12 वोल्ट का डायरेक्ट करंट फ्यूज़ बॉक्स से उठा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी वो भी मैं कोशिश करूँगा, एक और पार्ट बनाऊँगा वीडियो का जिसके अंदर मैं ये स्कफ प्लेट्स इंस्टॉल करनी सिखाऊँगा, तो फिर आप लोगों को वो कनेक्शन भी वहाँ से बता दूँगा, ठीक है। बाकी वो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, आप लोगों को इवन इसके नीचे से भी मिल सकता है, जो हमारे पास ये इसमें भी डायरेक्ट करंट होता है, जो इग्निशन की वाला सॉकेट होता है, आप यहीं से डायरेक्ट इग्निशन की वाले से भी उठा सकते हो। बस उसमें सॉकेट में आप टेस्टिंग कर लो मल्टीमीटर से, या अगर आपके पास 12 वोल्ट का टेस्टर है तो आप उसे टेस्ट करके वहाँ से वो डायरेक्ट 12 वोल्ट का कनेक्शन उठा सकते हो। बट फ्रेंड्स, मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि मैंने पहले ही बहुत वायरिंग करी हुई है, तो इसके अंदर मेरे पास ये 12 वोल्ट का डायरेक्ट करंट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वायर मैंने यहाँ पे टेप करके इसके बीच में से निकाल के यहाँ से बाहर निकाल लिया, बस अब मुझे इस वाले लूप पे यहाँ पे कनेक्ट करके फिर यहाँ से अंदर खींच लेना है और इसके साथ सोल्ड कर देना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब ये वायर अंदर चली है, ठीक है, उसके अब मैं यहाँ पे टेप लगा के तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास वायर जो है यहाँ से अंदर आ गई है, इधर से यहाँ पर ही अंदर आ गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप पूरा फ्रेंड्स इस चीज़ को, इस प्रोसेस को करने के लिए टाइम लो, ठीक है। आप लोग, मतलब मैं अपनी भी बात करूँ अगर, तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग DIY फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पूरा टाइम लो क्योंकि मेरी गाड़ी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, और आई होप आप लोगों के लिए भी होगी आपकी गाड़ी बहुत प्रेशियस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पूरा टाइम लीजिए, पूरा प्रोसेस को अच्छे से करिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी का नुकसान हो या कोई हमें बाद में ऐसा गिल्ट फील हो कि इससे अच्छा हम बाहर से ही करवा लेते, खुद क्यों किया हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स, आप बाहर के मैकेनिक से अच्छे काम करोगे, आप बहुत अच्छा काम करोगे अगर आप सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करोगे ध्यान से, और कोई नुकसान नहीं होगा। तो बस फ्रेंड्स, अब मुझे इसे सोल्ड करना है और फिर बाकी सारा बंद कर देना है। एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब भी आप ये वाले जो सॉफ्ट सिलिकॉन होता है या जो भी ये होती है क्ले होती है, इसको जब आप पील ऑफ करते हैं तो बीच में ना कटर से उसे काटते चलिए, साथ साथ पील करते जाइए, काटते चलिए। आप देखिए मेरे यहाँ पर बिल्कुल क्लीन यहाँ पे उतरा है, क्योंकि मैंने साथ साथ में उसे कट भी किया था, क्योंकि इसके जो रेशे बनते हैं बहुत सारे, ये देखिए वायर से भी चिपक गया ये, तो जो रेशे बनते हैं वो बहुत, मतलब नीचे नीचे तक, मतलब लटक जाते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए प्रोसेस जो है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे पूरा OEM जो है अपना कनेक्शन करने की कोशिश करी है यहाँ पे, ताकि ये जो यहाँ पर पूरा वाटरप्रूफ सील वापस हो जाए हमारे पास और कोई भी वायर्स बीच में से ना आए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जिप टाई कर दिया रिले को डोर के और ये वायर्स के बीच में, और ये पूरा टाइट है, कोई रैटलिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, और ये अच्छे से मैंने तीनों जिप टाई लगा के यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया। और ये जो पॉकेट बनी हुई थी यहाँ पर, इसी में से ही मैंने फ्रेंड्स फिर ये कपलर की वायर्स निकाल ली, ताकि ये मेरा जो फ्रेम है पूरा का पूरा वैसा ही सील हो जाए। और जो ये वाली वायर थी एक्स्ट्रा भी पुल करके मैंने जब टाई कर दी, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे सोल्डर कर दिया, बस मैं इसे ब्लैक टेप से इंसुलेट कर दूंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो स्ट्रिंग ट्यूब्स है वो मेरे किसी भी काम नहीं आई, ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम आएगी। बाकी फ्रेंड्स, आप लोगों ने यूट्यूब पर जैसे और भी वीडियोज़ देखी होंगी,
तो वो लोग क्या करते हैं, जो हमारी रिले है उसको, जो ये प्लास्टिक वाला कवर है उसके ऊपर ही उसे लगाते हैं, ठीक है। और ये वायर्स हैं उसी से जारी होती हैं, इधर वाली वायर भी और ये कपलर्स भी। तो कभी अगर आपको प्लास्टिक कवर ओपन करना पड़े किसी भी रीज़न से, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। आपको ये सारे कनेक्शंस जो हैं ये तोड़ने पड़ेंगे, फिर यहाँ रिले को आपको उससे अलग करना पड़ेगा। तो वो फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल अंदर ही इसके अंदर सारा कुछ कर दिया, और सिर्फ ऐसे ही OEM की तरह हमारे पास स्टॉक जो था सिस्टम, उसी की तरह हमारे पास सिर्फ दो ही कनेक्टर्स हैं और उन्हें हमें निकालना है, तो हमारा प्लास्टिक कवर अलग हो जाएगा, ठीक है। और बाकी फ्रेंड्स, अगर आप कंपोनेंट्स की इंस्टॉलेशन करते हैं यहाँ पर, और इधर आप स्टॉक जैसे ट्विटर लगाना चाहते हैं, तो आप फ्रेंड्स यही वहाँ आप से ही वायर आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस सारा दिखाया। जैसे कुछ लोगों को होता है ना, मैंने तो यहाँ पर अपना डैशबोर्ड पे ही ट्विटर लगा दिया था, बट अगर आप इसके अंदर यहाँ पर ट्विटर लगाना चाहते हैं स्टॉक उसकी तरह, मतलब ओरिजिनल OEM टाइप, तो आपको यहीं से ही ट्विटर की वायर अंदर खींचनी पड़ेगी, और वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर ये भी सारा का सारा पैक हो गया है, ठीक है, पूरा हम यहाँ पर डोर भी पैक हो गया हमारा, और ये सारी जो सील्स हैं OEM ये भी लग चुकी हैं, कहीं से भी वाटर मतलब अंदर नहीं एंटर कर सकता। क्योंकि फ्रेंड्स जब गाड़ी ज़्यादा पानी में जाएगी, तो फिर ये सील्स ही हमारे डोर के अंदर पानी इकट्ठा होने से बचाती हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा जूम्ड इन व्यू है हमारे पास, सारी की सारी जो पैकिंग है वो OEM पूरी हमारे पास सीलिंग हो गई है। और फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम ये है, हमारे पास ना ये दो लगे रह गए हैं येलो वाले, और इनको पुल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। प्लास से करेंगे तो ये टूट जाएंगे, वन डायरेक्शन में अगर इसे पुल करेंगे तो ये टूट जाएंगे, और ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग मतलब प्लास्टिक के होते हैं। तो इसे हमें पहले डोर पे लगाना पड़ेगा निकाल के, और फिर डोर को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर भी यही वायर का यूज़ किया, मैंने वायर देख सकते हैं इसके चारों तरफ मतलब गोल करके लपेट दिए। अब इसको मैं सिंपल पुल करूँगा तो ये बाहर आ गया, ठीक है, बिना किसी डैमेज के ये बाहर आ गया। बस फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर ये बस गत्ता लगा के इसे पैक कर दूँगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा का पूरा जो है कवर है, और इसमें यहाँ पर ये येलो लॉक्स जो वहाँ डोर में रह गए थे ये मैंने निकाल दिए। अब बस फ्रेंड्स इसे हमें रखना है, वही पहले हम इस चीज़ को इंसर्ट करेंगे ऊपर से ऐसे डाल के, ठीक है, ऊपर से ऐसे रख के, और फिर हम इन्हें पुश कर देंगे सबको। तो ये काउंटिंग रख लो फ्रेंड्स, कितनी जगह आपको पुश करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 लॉक्स हमें पुश इन करने हैं। और ये भी फ्रेंड्स मैंने अलग नहीं होने दिया था इससे, तो ये इसका सेपरेट ऊपर भी है, मैंने यहाँ से उतारा ही नहीं था इसे, तो ये भी एज इट इज लग जाएगा। और फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये जो मैंने इसको पूरा निकाल लिया है सॉकेट को बाहर, जो हमारे पास ये कवर था यहाँ पे, और इसके ऊपर मैंने ये रबड़ पूरी अच्छे से चढ़ा दी है, और फिर इसको मैं यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पर, और ये पूरा हमारे पास कोई एक्सेप्शनल गैप नहीं है, अच्छे से ये पूरा रबड़ सील जो है हमारी वो लग गई, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मारुति से, यहाँ पर फ्रेंड्स i20 में पूरी एक वाटरप्रूफ सॉकेट होती है हमारे पास, ठीक है, जो ऐसे प्लग होता है पूरा वो प्लग बाहर आ जाता है, ठीक है, पूरा वाटरप्रूफ रबर वाला हैवी सा, ठीक है। बाकी मालूम नहीं फ्रेंड्स अगर इस तरफ हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने वायर्स में इंसर्ट करी है तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, ठीक है, ताकि डोर पूरा का पूरा फ्रेंड्स i20 का अलग हो जाता है, वायर कनेक्शन अलग हो जाते हैं। इधर हो तो मालूम नहीं फ्रेंड्स, बट यहाँ पर i20 में इस तरफ होता है, उसका भी मैंने ओपन किया था एक बारी, तो काफ़ी सॉलिड उसके अंदर कनेक्शन था। तो फाइनली फ्रेंड्स सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा, और इसमें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ये देख सकते हैं रॉकेट लॉक्स भी हमारे लग गए, ठीक है, ये वाले, और ये वाला एरिया भी हमारा अच्छे से क्लोज हो गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई स्क्रू ड्राइवर के मार्क्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्रॉपरली ये सील हो गया है हमारा जैसा ओरिजिनल था। और फ्रेंड्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा ओरिजिनल फिटिंग आ गई हमारी वापस। इसको फ्रेंड्स मुझे निकालना पड़ा था बाद में, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे हम इसे ऐसे रखते हैं जो यहाँ पे ये लॉक होता है ऊपर, तो वो नहीं हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे निकाला और उसके बाद फिर वापस लगा दिया। और आप देख सकते हैं कोई एक्सेप्शनल गैप नहीं है यहाँ पे डोर्स में, ठीक है, ओरिजिनल फिटिंग है सारी की सारी। यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोई हमारे पास एक्सेप्शनल गैप्स नहीं है, ठीक है, अच्छे से सारा का सारा पैक हो गया। बाकी फ्रेंड्स ये इसका मैंने यहाँ पे ये बटन टेस्ट करा था, तो बटन में ऐसा है कि जब इग्निशन ऑन होगा तो हमारे पास ये बटन से ओपन क्लोज हो जाएंगे, बट उसका रिले से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी मर्जी पोजीशन पे हो बटन जो है रिले फिर भी वर्क करेगी हमेशा। तो आप देखते हैं एक बार इसको डेमो करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं लॉक करूँगा तो ये क्लोज हो गए। बाकी स्पीड फ्रेंड्स ओरिजिनल भी इतनी ही स्पीड है, मैंने चेक कर लिया अभी, वो मुझे ऐसे ही डाउट हो रहा था कि स्पीड स्लो है, रिले में कोई प्रॉब्लम है, बट ओरिजिनल स्पीड बलिनो वालों की स्लो है, ठीक है, i20 वालों में काफ़ी फास्ट स्पीड होती है इनकी डोर्स की, मिरर्स की। और जब हम इसे अनलॉक करेंगे तो ये ओपन हो गया, ठीक है,
ये डबल टोन इसलिए आई मेरे पास क्योंकि बीच में एक बारी वो हो गया था, मतलब लॉक करने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करती थी, इसलिए डबल टोन आ रही है। वो आपको पता है कि जब दोबारा हटेगा गाड़ी, एक बार स्टार्ट होगी, इग्निशन ऑन होगा, तो फिर वो हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई एरर वगैरह कुछ नहीं है, पूरा ओरिजिनल हमारी फिटिंग हो गई इसकी और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और फ्रेंड्स, लास्ट तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा, एक मिरर्स वाली जो रिले आती है उसका भी मेरा मतलब मूड था लगाने का, बट फ्रेंड्स वो मेरे एक फ्रेंड ने लगाई हुई है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप गर्मियों में इतनी इतना शीशा अगर आप ओपन रखना चाहते हैं, जैसे रेन वाइजर्स आपके इंस्टॉल है तो थोड़ा थोड़ा आप गर्मियों में सन के नीचे जब गाड़ी खड़ी है तो अगर आप रखना चाहते हैं तो वो उसमें पॉसिबल नहीं होता। इसलिए फ्रेंड्स मैंने उसको मतलब उसके आइडिया को ड्रॉप कर दिया, नहीं तो वो भी यही सेम प्रोसेस था, यहीं से इंस्टॉल हो जाती या आपके डैशबोर्ड से इंस्टॉल हो जाती। ठीक है, तो आयो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये OEM पूरा मैंने डिटेल जितनी कोशिश हो सकी मैंने कवर करी, कनेक्शंस की भी, बाकी मैंने सोल्डरिंग यूज़ करी है। अगर आपकी गाड़ी अभी वारंटी में है तो आप स्कॉच लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो इजीली मार्केट में 5-10 rupees का एक, 5 rupees का एक मिल जाता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं या कुछ आप लोगों को मतलब पूछना है और क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टा आईडी पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।